प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर कृषि के क्षेत्र में, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में। उसके लिए शुभित विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से कार्य कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई जो राष्ट्र को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। लेकिन उस भारत के आगे होने से ना हो के उसे गांव देहात छोटे से छोटी जगह तक पहुंचाना, ये बहुत आवश्यक था और डिजिटल इंडिया ने उसे किया है। और मुझे लगता है कि आज जो भी लोग हमारे साथ थे वो अपने साथ एक जज्बा लेके गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत भारत को कृषि, खेलों, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब इस लक्ष्य के कितना करीब हम पहुंचे हैं, इसी से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया है शोभित यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। और आज शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर मिस्टर कुंवर शेखर विजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इस इवेंट के बारे में उनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल डीएनपी। थैंक यू वेरी मच सुनीता, इट इज़ अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू सर। तो आज का जो इवेंट है इसके बारे में हमें सर कुछ बताइए। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर कृषि के क्षेत्र में, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में। उसके लिए शोभित विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से कार्य कर रहा है और एक इंटरनेशनल और नेशनल वेबिनार सीरीज़ हमने बनाई है जिसके अंतर्गत हम लोग उसे बढ़ावा दे रहे हैं। 108 ऐसी वेबिनार शोभित विश्वविद्यालय कर चुका है और उन वेबिनार को करने के बाद आज उसमें जो भी नॉलेज क्रिएशन हुआ उसे समाहित करने के लिए और डिसेमिनेट करने के लिए आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे देश से लोग आए। और क्या हो सकता है, क्या हम अलग अलग कर रहे हैं, उसे कैसे हम लोग मिल के साथ कर सकते हैं, हाउ वी कैन जॉइन टुगेदर टू फुलफिल द विज़न ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इस पर हम लोगों ने बात की, चर्चा की। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई जो राष्ट्र को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि डिजिटलाइजेशन का इसमें कितना अहम योगदान हो सकता है? देखिए, पूरा विश्व आज जो है हम कह रहे हैं इसे कि एक ग्लोबल सिटी बन गया है। सारी दूरियां ये ख़त्म हो गई हैं, हर चीज़ एक हमारे बटन के ऊपर है। तो विश्व में जब भी डिजिटलाइजेशन होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमारे देश में कहीं ना कहीं हमें सबको एक चैलेंज ये रहा है कि मासेस तक हम डिजिटल या टेक्नोलॉजी को नहीं पहुंचा पाए थे। तो आज जब डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इससे ये हो रहा है कि पूरे विश्व में हम लोग वहाँ खड़े हैं जहाँ और खड़े हैं, जबकि उससे आगे खड़े हैं। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में हमेशा ये माना गया है कि शोभित विश्वविद्यालय बहुत आगे, शोभित यूनिवर्सिटी है ही, भारत बहुत आगे है ना। लेकिन उस भारत के आगे होने से ना हो के उसे गांव देहात छोटे से छोटी जगह तक पहुंचाना, ये बहुत आवश्यक था और डिजिटल इंडिया ने उसे किया है। और शोभित यूनिवर्सिटी उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, स्पेशली इन दी एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, और छोटे किसानों को साथ ले जाके कैसे उसका फ़ायदा दिया जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर, किसानों की आय दोगुनी होगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दोगुनी होना तो एक फ्रेज है, इसका मतलब यह है कि हमने एक टारगेट लिया कि हमें किसानों के बारे में सोचना है। अभी तक आपने शायद ही कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार कवर की हो जो लुटियन दिल्ली में हुई हो और जहाँ बातें किसानों की हुई हो। जब वो इंटीग्रेशन शुरू होगा तो डेफिनेटली वो दोगुनी नहीं होगी, तिगनी चौगुनी और कई गुनी ज़्यादा होगी। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको भी आपने अपने इस प्रोग्राम में, इवेंट में एक खास स्थान दिया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ये, हम 75 साल आज़ादी के बना रहे हैं। अमृत कब निकला था? जब मंथन हुआ, और वो मंथन किस चीज़ का था? हमें बताया गया माइथोलॉजिकली शेषनाग ने मंथन किया और उससे निकला, लेकिन वहाँ विष भी निकला, बहुत सारी और चीज़ें भी निकली। तो मुझे लगता है जब विचारों का मंथन होगा, जब साथ आने का मंथन होगा, जब टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट का मंथन होगा, जब समाज का हर तबका साथ आके मंथन करेगा, तो अमृत बाहर आएगा। और जब वो अमृत बाहर आएगा तो एक महाउत्सव होगा, और उसी महाउत्सव को बनाने के लिए शोभित यूनिवर्सिटी हमेशा से नई चीज़ें करता जा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। और एक चीज़ विशेष मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले वर्षों में 250 पेटेंट विश्वविद्यालय के आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वो इसलिए आए हैं कि हमने सबको साथ जोड़ा है। और सर, आज का जो इवेंट है वो कहाँ तक आत्मनिर्भर भारत के नज़दीक पहुँच पाया है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, किसी इवेंट से आत्मनिर्भर नहीं होते, सोच से आत्मनिर्भर होते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो भी लोग हमारे साथ थे
वो अपने साथ एक जज्बा लेके गए हैं कि सिर्फ मुझे आत्मनिर्भर नहीं बनना है, मुझे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देना है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत आसान है सफल हो जाना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जब आपकी सफलता देश के विकास में अपना योगदान दे, देश की प्रगति में योगदान दे। तो मुझे लगता है ये मैसेज आज हम दे पाए, और ये मैसेज यदि हम दे पाए तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, हमेशा था और बनेगा। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेगमेंट। थैंक यू।